बेचारा कभी यहाँ बैठे है, कभी अंदर जाकर बैठे है। सिम्बा दर्द हो रहा। जिम्मी जिम्मी देखता हूँ मुझे पहचान लिया क्या। सो ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। और गाइस पूरी रात सो नहीं पाया सिम्बा की वजह से, सिम्बा का पूरी रात दर्द हुआ। रोज सुबह सुबह भोकने की आदत थी, बार बार वहां पर जावे हो और भोकाश पर बेचारे पर जाता नहीं। बेचारा पूरी रात परेशान रहा, पूरी रात कू 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 करेगा। और गाइस अब इसकी तकड़ी डाइट करनी पड़ेगी, बेचारे का ब्लड ज्यादा निकल गया। ओए मान जा, परेशान ना करे से, मान जा मान जा मान जा। पप्पी से बार बार परेशान कर रही है, नीचे जूली वाले पप्पी से परेशान करे, ऊपर रोक्सी वाला पप्पी परेशान करे। और ब्लैकिंग बेचारा कल से दुखी हो रहा, ब्लैकिंग तो इसका आगे पीछे ही घूम रहा। देखना भाई अभी कैसे लेट गया बिल्कुल इसी के आगे। अब भाई एक बार सिम्बा को दवाई देता हूँ, सारी की सारी दवाई सिम्बा की है ये। और गाइस चिंटू का तो मुझे अभी पता चला, चिंटू हमारे पीछे पीछे गया था गाड़ी के पीछे पीछे और दूसरे गांव में जाकर अटक गया। कल मैं सिम्बा को लेकर गाड़ी में गया था ना, चिंकी को तो पौवा लेके था, बट भाई चिंटू गाड़ी के पीछे पीछे यहाँ लग रहा था। अब भाई एक बार चिंटू को लेकर आता हूँ, चिंटू बेचारा दूसरे गाँव में जाकर फंस रहा बेचारे ना, गाड़ी के पीछे पीछे एक गाँव तो पार कर दिया, दूसरे गाँव तक पहुंच नहीं पाया। तो गाइस सारे मैं को देख लिया रोड पर तो कहीं दिक्कत नहीं, अगले गाँव में देख कर एक बार दूसरे गाँव में भी देख लिया बिल्कुल अच्छे से, कहीं नहीं दिख रहा दूर से दूर तक, पता नहीं कहाँ जा लिया, कल रात से गायब है वो। चिंटू तो मिला नहीं बट भाई जिम्मी मिलेगी। जिम्मी जिम्मी देखता हूँ मुझे पहचान लिया क्या, और हवा कितनी मोटी हो रही ले। जिम्मी और गाइस मैंने से यहीं पे दे रखा, जो सामने कोल्लू है इसी में ही रह गया, और हवा बिल्कुल मोटी तकड़ी हो रही। और गाइस ये वो फीमेल है जो मैंने रेस्क्यू करी थी बिल्कुल मरने वाली कंडीशन में। जिम्मी को देख के बिल्कुल दिल खुश हो गया, ये देखना भाई कितनी मोटी तकड़ी हो रही, और हवा कभी इसकी बिल्कुल हड्डी हड्डी निकल रही थी। और गाइस आज देख लो। तो गाइस अब एक बार स्विमिंग पूल में आता पौवे को लेकर, वो बैठा पौवा, पौवे ने मुझे दो तीन बार कह लिया स्विमिंग पूल में लेकर चल पौवे मार डाक, चल कूद जा चल 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 चल। और गाइस मेरा नहाने का मन नहीं है वरना मैं भी नहाता, थोड़ी बहुत देर पौवा ही ना लगा। अरे हुआ भाग भाग का मारा पौवा तो डूबकी। अरे नंगे नंगे पौवे तो भी है कि नंगा, अच्छा तू नहीं हुआ बोलो चल ठीक है। अरे मैं ना देख रहा, बदल ले बदल ले। पौवा बेचारा कई दिन से चिपट रहा था मेरा कि स्विमिंग पूल में लेके चल। और गाइस अपना चिंटू खुद ही आ जाएगा, अब एक बार जाते टाइम और देखूंगा, अगर मिलेगा ठीक है वरना भाई वो खुद ही आ जाएगा, जंगली है उसकी दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी फाइनली अपना चिंटू डोन मिल गया। और गाइस चिंटू देखो कहां मिला, बिल्कुल अपने खेत पे, हम तो अपने ट्वेल्व साफ पानी में नहाना थे, देखा क्या अपना चिंटू यहीं पे बैठा। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे, और गाइस सिम्बा भी बेचैन हो रहा बेचारा, कभी यहाँ बैठे कभी अंदर जाकर बैठे। सिम्बा दर्द हो रहा, वैसे तो भाई मैंने सुबह दर्द के इंजेक्शन लगा दिए थे इसके, ब्लैकिंग को देखो बिल्कुल इसी के पास जा लिया। सिम्बा के चोट लगने से ब्लैकिंग सच में ज्यादा दुखी हो रहा है, नहीं भाई सुबह खाना वाना कुछ भी खाया। A few inches later, तो गाइस शाम होगी, और गाइस मेरे पीछे सिम्बा को देखो बिल्कुल ऐसे एक्साइटेड हो रहा जैसे रोज हुआ करता हूँ। ये सिम्बा ये देखो भाई रोग के साथ कैसे मस्ती कर रहा। ओए सिम्बा तू चोट ना दुखवा लिए, रोज की तरह कर रहा जैसे वो घूमने से पहले करा करता, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर रहा। वैसा भाई सिम्बा को खुश देख के खुशी सी हो रही, थोड़ा थोड़ा डर सा भी लग रहा, कहीं अपने टंके वंके ना खुलवा ले। सिम्बा को अभी फिलहाल अंदर ही करता हूँ वरना भाई चोट लगवा लगा। सिम्बा चल तू ऊपर चल, सिम्बे चल ऊपर, सिम्बा चल ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल तू जा ऊपर चला जा जा। और गाइस मुझे तो रोक को भी खेत में ले जाते हुए डर लग रहा, रोक को आज खेत में ले जाकर खुला नहीं छोड़ने का, पहले बिल्कुल अच्छे से देख लूंगा कहीं उतार वार तो नहीं है। और गाइस आज तो हमारी खेत की साइड में डॉग्स दिख रहे, एक तो वो बैठी फीमेल नीचे बैठ गई ये वो बैठी, और दो मेरे डॉग वे तो खैर छोटे पिल्ले हैं। चिंटू मान जा फीमेल है, और गाइस फीमेल है इसीलिए चिंटू तुरंत रुक गया, वे दोनों के दोनों छोटे पप्पी है उनके ऊपर इसलिए अग्रेसन नहीं कर रहा। बट भाई अगर इसकी जगह पर मेल डॉग होता फिर तो भाई चिंटू का सभी ना रूप देख रखा, एक ही झटके में फाड़ देता अकेली वैसे है वा। खत्म। तो गाइस अभी रोक को लेकर बिल्कुल अपने खेतों में आ गए, यहाँ पर तार वार कुछ नहीं है, हम अपने खेत में तार वार कुछ नहीं लगाते, कैसे भी तार नहीं लगाते। और गाइस ब्लेड वाले तार तो बिल्कुल इलीगल रहे, उनमें तो अगर हाथ वाथ कुछ भी लग जा तुरंत कट जा। बस भाई कल सिम्बा की जान ही बचेगी, अगर गर्दन पर लग जाता तुरंत कट जाती। अरे रोकू अपनी बाइक पे मुंह उतरा अबे साले। और गाइस आज घर जाने से पहले या फिर रोकू घर पर छोड़ के मैं को देख लूंगा कहाँ कहाँ तार लग रहे, फिर भाई उसी हिसाब से अपने डॉग्स को खुला छोड़ा करूंगा, जहाँ तार हो गए वहाँ पर खुला नहीं छोड़ने का। अपने खेत का तो ये है कि दूर से दूर तक कहीं भी तार नहीं है, और गाइस यहाँ पर रोज रोज जमीन ला नहीं सकते क्योंकि भाई ज्यादा दूर बैठ जा, फिर भाई जाते टाइम अंधेरा हो जा, इसलिए मैं पास को ही घुमा लू था खेतों में। बट भाई अब पूरा ध्यान रखा करूंगा, बस भाई वो तो अच्छा ही है सिम्बा की जान बच की, वरना भाई अब भी डर लगा सोच के, अगर गलती से भी गर्दन पर लग जाता या फिर आंख पर लग जाता, आंख के तो बिल्कुल नीचे ही लग रहा, बिल्कुल फेस पे यहाँ पर लग रहा आंख के नीचे, रुक रुकिए यहाँ से लेके यहाँ तक कट रहा। कल इतना ज्यादा ब्लड आया उसके बहुत ही ज्यादा, पहली बार देखा मैंने तो किसी का इतना खून, रोक का सारा ध्यान इस साइड को है, सामने से डॉग्स के भोंकने की आवाज आ रही, ये भोंकने लग रहे, और रोक और चिंटू भी उसी साइड को देख रहे। रोकू ज्यादा ध्यान ना देवे, लो भाई रोक ने तो पैर भी पीट दिए, गुस्से में आ गया, अगर एक बार भी चिंटू भाग पड़ा रोक तुरंत भाग जाएगा इसके पीछे पीछे। रोक की थोड़ी बहुत देर ग्रिप लगवाता हूँ, फिर इसका सारा ध्यान इसी में ही रहेगा, डॉग्स के ऊपर नहीं जाने का। अरे अरे फाड़ दिया, खत्म। इस वाले को बांधता हूँ, पहली बार भी इसी में लगवाई थी, रोक रुक जा। अरे फिर पता ले लेकर भाग गया, अरे ला रुक जा बांधू मैं से गया। बट भाई चलो कोई नहीं, कपड़े में खेल लगा, ये देखना भाई ग्रिप की जगह पे क्या कर रहा, लौट रहा और अपने ऊपर ओढ़ लिया कपड़े को। रोको आजा ग्रिप लगवा मैं इसमें,
लगाता नहीं, नहीं। तो गाइस अभी रोक का पड़ा हुआ पड़ा छोड़ के वहां जा लिया चिंटू के पास, चिंटू का इस साइड ध्यान है और रोक का इस साइड ध्यान है। और गाइस सोच रहा थोड़ी बहुत इसकी रनिंग करवाता हुआ घर पे लेके चलता हूँ। ओए रोकू कहाँ जा, अरे उस साइड को भाग गया। बाइक स्टार्ट करता हूँ, बाइक स्टार्ट होती तुरंत आ जाएगा वो आ लिया। रोको अब क्यों आ, जा भाग जा, जा चला जा। थोड़ा बहुत मैं बोल लू कुछ, रोको। तो भाई सब इसकी रनिंग करवाने की सोची थी बट भाई ने ड्राने कर दिए। आ जा बैठ, यो नहीं भाई रनिंग करने का। रोकू देखे देखो भाई चिंटू में नौटंकी बाज हो गया। चिंटू नु कह रहा इसे नीचे उतार। हाँ चिंटू आजा तू भी आजा बाइक पे आजा। तो गाइस आ गया रोकू लेकर घर पे, जूली वाले पप्पीज जूली का दूध लग रहे पीन। सिम्बा अंदर से गेट पीट रहा, सिम्बा नु कह रहा गेट खोल दो। आजा भाई सिम्बा आजा बाहर आजा। अरे ये तो रोक सी है, सिम्बा कहाँ जा गया। सिम्बा यो रहा सिम्बा बस तो अपनी चोट ना दुखवा लिए तेरी, बार बार टक्कर मारे। अब भाई एक बार सिम्बा के नाम के फल फ्रूट लेकर आता हूँ, इसका बेचारे का ज्यादा ब्लड निकलेगा, खून की कमी अनार पूरी कर देंगे। इसके नाम के अनार लेकर आता हूँ पहले। तो गाइस ले ले सिम्बा के नाम के अनार। मोटी चैन मोटा पैसा, और चैन भी है मोटी चैन और मोटा पैसा। तो गाइस आ गया घर पे, सिम्बा के नाम की चीज लेके देख रहा क्या लेके आई मेरे नाम की। और गाइस अब सिम्बा खुश है सुबह के मुकाबले, अब तो ये सारे मैं घूम फिर भी रहा, वरना भाई पहले तो एक ही जगह पे रहता हूँ। हाँ रोकू तेरा क्या हुआ, रोक बार बार मुझे चेक कर रहा, रोक भी अर्जोरा भी दोनों चिपट गए, क्या हो गया। और गाइस अपने रोक्सी के पैर में लग गई शायद चोट, बार बार लंगड़ा सी के चल रही। रोक्सी चल के दिखाइए, बार बार लंगड़ा सी रही, क्या हो गया पैर में, या बार गली में भी तो घूमती रहे कुछ लगवा लिया होगा। तो गाइस अभी एक एक करके सभी को खाना रख दिया, योर अपना सिम्बा बाकी सारे यहाँ लग रहे। ये आ रही अपनी मिंकी रानी। और गाइस ये पड़ी रेड किंग वाली संकल, इसे मैं जब भी देखू मुझे रेड किंग की याद आ जा, रेड किंग का केज यहाँ पर रह रहा था। अरे यार इसकी संकल अब फिलहाल तो रोग घूम रहा है यहाँ पे, बट भाई चलो कोई नहीं, अब उसकी जगह पे ब्लैक किंग है हमारे पास। और एक ही ना देखो दोनों माँ बेटा कहाँ घूम रहे, रोक से डमरू को लेकर ऊपर जा रही थी, ऊपर लाई घुमा के। और गाइस ये डमरू सबको रखे परेशान करके, इंसानों को भी और डॉग्स को भी, सारी चीजों को तोड़े फोड़े, तोड़ता फोड़ता तो नहीं खेल रहा सभी के साथ। देख लो भाई अभी तो कितना मासूम सा बैठ गया उत्तरी, फोन में लगा रहा जंप। और गाइस अपनी कोको रानी नीचे है, जब तक रोक्सी ऊपर रहेगी कोको नीचे रहेगी, वनी भाई ऊपर आ सकती इसके रहते हुए। मैं सोच रहा एक दो दिन में रोक्सी और कोको को दोनों को एक साथ खेत में लेके जाऊंगा, क्या पता दोनों एक साथ खेत में जाकर दोस्ती हो जाए। बात तो सही है। और एक से देखो चिंकी रानी को खाट पर बैठ गई, डमरू पर ऊपर आया नहीं जा रहा। डमरू इसकी पूंछ पकड़ ले, ले पूंछ पकड़ ले इसकी, पकड़ 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 मार बुड़ गए, ले ले जा पकड़ गए, ले जा ले जा ले जा। ओ भाई साहब ये तो भाई सच्ची में लग गया। और गाइस वैसे भी सारे दिन चिंकी को और मिंकी को परेशान करे जा डमरू, कुछ दिन मेरे पास ही रहेगा जब तक ये थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, तब तक ये मेरे पास ही रहेगा, रोक्सी का बढ़िया जी लगा रहेगा। वरना भाई रोक्सी नु कहेगी मेरे सारे पिल्ले दे दिए, इसके रहने से हमारा भी जी लग रहा और रोक्सी का बढ़िया जी लग रहा और मेरे डॉग्स का भी बढ़िया जी लग रहा। तो गाइस अभी खाना वाना खाकर सारे लेट गए। और गाइस ब्लैक किंग को देखो कैसे लेट रहा, सिम्बा के अगले पैरों पर सिर रख के मजे से लेट गया, ब्लैक किंग अगले पैरों पर सिर रख रहा और जोरा पिछले पैरों पर सिर रख रही। कुछ भाई जब से सिम्बा का चोट लगी मेरे डॉग्स ज्यादा लगाव से कर रहे इसका, सारे एक सारे आसपास ही घूमे जा इसके, थोड़ी देर में बाकी डॉग्स भी यहीं पे आकर लेट जाएंगे, बाहर देखता हूँ कहाँ घूम रहे। कोको तो सामने वो लेट रही, कोको नींद आ गई, अंदर लेट जा तू भी नहीं। और कहीं से रोक को मैं सारे मैं को ढूंढ रहा, रोक क्यों लेट रहा पर्दे के पीछे, मैं बाहर सारे मैं को ढूंढ रहा इसे, मुझे लगा पता नहीं कहाँ भाग गया, देखा क्या पर्दे के पीछे बैठा मुझे से। और कहीं साथ के ब्लॉग के एंडिंग पे करता हूँ, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और कहीं लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।